टीनमेटिस एमवीपी लेस को पता था ब्रो। नौ किल भाई साहब, तीन नंबर भाई साहब। ये रिफ्लेक्स ओरिजिनल्स की टीम, मैं कह रहा हूँ भाई, इन्होंने जो आतम मचाई है ना ब्रो, पता लग रहा है रिफ्लेक्सिंग का कितना तेज लग रहा है बाबा पे, आतम मचाई बाबा ने। भाई साहब क्या मार रहे हैं यार, ये हैकर नहीं ना यार, ये हैकर नहीं ना हैकर भाई, ये बहुत बहुत प्रिसाइज नहीं मार रहा है, पता नहीं हैकर लग नहीं रहा वैसे, बट बंदे का स्प्रे बहुत सही, बहुत ही स्प्रे कर रहा है। 16 भी है टी नंबर, 8 भी है ब्रोदर, ओहो नेट पे बाजी बच रहा है ब्रो, भाई चार पे कितना ब्रो वो है भाई, आ गया नेट भाई साहब, मैंने अभी स्पेक्टेटर टिक है। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्स के प्लेयर्स और बट एसएलआर वहाँ पर डाउन करके जाएंगे, फ्रैगर और डैडी द लास्ट टू प्लेयर स्टैंडिंग, बट ये क्लोजिंग आइकन नॉक्सी को टेक आउट करेंगे। ओह माय गुडनेस, व्हाट अ 1v2, एक बहुत प्यारा 1v2 जो है निकाल कर जाएंगे यहाँ पर। टीम 4MS का एलिमिनेशन, पैटर्न वहाँ पर अकेले प्लेयर है, कितने समय तक वो सर्वाइव करके जाते हैं, बट देखते ही देखते रिफ्लेक्स के प्लेयर्स फिनिश ऑफ करते हुए द टॉप 3 टीम इस मुकाबले के अंदर, और सेकंड इनर किसका होगा, पूरी तरीके से टीम रिफ्लेक्स को जो जोन करेंगे, तो LGS के भी एक प्लेयर वहाँ पर टेक डाउन किया जा सकता है, जिनो गॉड को भी टेक आउट किया जा सकता है, रेंजर भी जो सोलो प्लेयर स्टैंडिंग लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम नंबर 16, शायद वहाँ पर जिनो गॉड को अपनी पोजीशन बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि रिवील हो चुकी है, इनकी पोजीशन भी रिवील होगी, और देखते ही देखते फ्रैगर वहाँ पर खत्म करेंगे। वन साइड ये खिलाड़ी ने जिस तरीके से फिनिशेस उठाए ना आखिरी सर्कल के अंदर, काफी बेहतर तरीके से जो 2v2 का सिनेरियो रहेगा, बट सर ले पाएंगे एक अच्छा ग्रेनेड वहां पर, कुछ रैंडम शॉट खत्म करा इस गेम को, और टीम रिफ्लेक्स टेकिंग द विनर विद द चिकन डिनर, एक बहुत प्यारा चिकन डिनर जो है वाता नजर आएगा, ये डेडली डुओ क्या ही खेले हैं आखिरी में, और फ्रैगर तो भाई बहुत ज्यादा बेहतर गेम में कहूंगा इस खिलाड़ी की तरफ से, हमको देखने को मिल जाएगा एक ओपी लेवल का गेम प्ले, काफी क्लोज थे प्लेयर, थोड़ा इनको वहां पर लेना चाहिए था, और बट देखते ही देखते टीम ऑफ 4 वाइप आउट करेंगे, एक बेहतरीन फाइट यहां पर टीम ऑफ 4 की। उनको और रॉबिन को वहां पर टेक डाउन किया जाएगा, एक बढ़िया ग्रेनेड यहां पर एसएलआर की तरफ से जाएगा, टेक डाउन करके बढ़ सकती है, और बिल्कुल डैमेज पड़ रहा है प्लेयर्स को, ये अच्छे थ्रोएबल्स है यहां पर, डैमेज कहीं क्योंकि डील करना पड़ रहा है प्लेयर्स को, और देखते ही देखते खत्म करेंगे किड विद अ गोल्डन आर्म, एक अच्छा ग्रेनेड, एक नहीं दो प्लेयर्स सीधा वाइप आउट किए जाएंगे। यहाँ पर 11 फिनिशर्स के साथ एक शानदार और एक बेहतरीन और विनर विनर चिकन डिनर, बिल्कुल